अस्सलामु अलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सभी? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अपना खैरियत मुझे बताते रहिएगा। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये सुबह के 7 बज गए हैं और आज हमारे यहाँ बिल्कुल बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। बारिश तो इस समय नहीं है, बारिश बाद में हुई थी। और देखिए इधर बहुत काले काले बादल, आंधी आ गया था, तूफान। तो ऐसा मौसम मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन मौसम तो कुछ ठंडा हो गया है। उसके बाद थोड़ी से देर के बाद पानी भी आ गया था। यह बारिश हो रही है और यहाँ पे शाम हो गए हैं, 3:30 हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं आलू बॉईल कर रही हूँ और ये है साबुतदाने। तो साबुतदाने के आज मैं बनाऊंगी वड़े। और ये वड़े बहुत टेस्टी बने थे, यम्मी बने थे। और इसको मैंने 2 घंटे 3 घंटे पहले भिगो करके पानी में और रख दिया था। उसके बाद अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चने। तो चने बिना तो रमजान अधूरा लगता है, तो चने तो बनते ही बनते हैं डेली, तो इसलिए। और साबुदाने के वड़े मैं बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने मूँगफली ले लिया है 100 ग्राम। तो उसको मैंने अच्छी तरह से थोड़े से ऑयल डाल करके उसको थोड़ा सा हल्का सा भून लिया है। और उसको दरदरा, मैंने थोड़ा सा दरदरा उसका जार में बना दिया है पीस करके, ज़्यादा बारीक नहीं, दरदरा। और थोड़ी सी मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है और ये डाल दिया हरी मिर्च। और थोड़ी सी इसको बनाने के भूनने के बाद उसमें मैंने ऐड कर दिया जो मैंने मूँगफली दरदरा मैंने पीसा था वो। और उसके बाद धनिया पाउडर, थोड़ी सी जीरा गोल मिर्च के पाउडर इसमें डालूंगी। और थोड़ी सी इसमें डालूंगी मैं धनिया पाउडर। और ये डाल दिया मैंने लाल मिर्च, 2 चम्मच मैंने डाला है, थोड़ा हम लोग को तीखा पसंद है इसलिए। और उसके बाद डाल दूंगी स्वाद के अनुसार नमक इसमें। और थोड़ी सी मैं हल्का सा इसको भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनूंगी, नहीं तो जल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा हल्का सा। तो हो जाने के बाद इधर मैंने साबुदाने में ऐड कर दिया है उसको, मूंगफली को। और यहाँ पे मैंने आलू भी बॉईल कर लिया है, तो उसको मैं मैश कर दूंगी एकदम अच्छी तरह से। और इसमें मैश करने के बाद थोड़ा सा मैंने डाल दूंगी धनिया, हरा पत्ता मैंने कट करके रख लिया है उसको भी। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगी। मैं यहाँ पे अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी ताकि जो साबुदाने हैं, आलू है, मूंगफली का जो मैंने मिक्सर इसमें डाला है, वो सारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसकी मैं टिक्की बना लूँगी, गोल गोल टिक्की, राउंड वाली गोल गोल। और उसके बाद मैं इसको फ्राई कर दूँगी ऑयल में। तो ये क्रंची बहुत क्रिस्पी बनी थी, ये क्रंची बना था और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। लेकिन इसका टेस्ट तो पसंद आया हम लोग को, लेकिन मेरा बड़ा बेटा है तो खाया ही नहीं, उसको पसंद नहीं आया। तो किसी किसी को पसंद नहीं भी आता है कोई चीज़, और किसी को पसंद भी आता है। तो हम लोग को पसंद आया लेकिन उसको पसंद नहीं आया। वो ज़्यादातर लोग खाते हैं लोग आलू के पकौड़े जो, और बेसन के। तो ये भी बहुत टेस्टी बने थे। और ये इसको मैंने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था। और ऑयल लगाने के बाद थोड़ा सा मैं ये गोल गोल टिक्की बना रही हूँ, क्योंकि वो ये हाथ में बहुत चिपकते हैं। और तेल लगाने से, ऑयल लगाने से हाथों पर बहुत अच्छे से ये गोल गोल शेप में बन जा रहे थे, तो इसलिए मैं ऐसे ही बना ले रही हूँ। तो यहाँ पे आ गया है ऑयल IMC कंपनी का। तो हम लोग को ज़्यादातर प्रोडक्ट यही आता है IMC कंपनी का, इसका रिफाइंड ऑयल या जो आता है टॉनिक वगैरह पीने वाला, वो भी आता है। तो इसको मैंने डाल दूंगी डब्बे में, क्योंकि ख़त्म हो गया था। और इसके बाद मैं फ्राई करूँगी। तो देखिए मेरा तेल बिल्कुल गर्म हो गया है, उसमें मैं डाल दूंगी वड़े। और
इसके साथ पुदीना की चटनी हो, धनिया पत्ती की चटनी हो, तो बहुत यमी लगता है ये। और मैं तो इस तरह से सुखा रही थी, मतलब जो टिक्की है टिक्की के ऊपर धनिया के पुदीने की चटनी लगा करके इस तरह से खाने पर और टेस्टी लग रहा था। तो इस तरह से मैं सारे बड़े को फ्राई कर लूँगी। तो ये वाला थोड़ा सा चिपक गया है क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया था, और फिर भी दम बिल्कुल अच्छा बना था, क्रंची बना था, और इसका टेस्ट अजब सा आ रहा था खाने में। और जो लोग खाते होंगे उनको जानकारी होगा। तो चलो इस तरह से मैं सारे बड़े को फ्राई कर लूँगी। और उधर मैंने दूध रख दिया बॉयल होने के लिए, क्योंकि जल्दी से मैं शाम को ही बॉईल करती हूँ, दूध के भी दही जमाना रहता है, तो इसलिए। तो ये है मेरा आज का इफ्तार। मैंने आलू अफजा बनाया था, लस्सी भी बनाई थी, फ्रूट कुछ कटे थे, पपीता मैंने उनको कट करके रख लिया है, और रोटियां मैंने आज बनाई थी क्योंकि चावल में ज़्यादा हम नहीं खाते हैं शाम को। और ये मैंने बड़े बनाए हैं, वो है चटनी है पुदीना की, और वो चने, और वो मैंने बनाया है कीमा आलू। तो चलो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को, अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलो यहीं से अपना ब्लॉग का इन करती हूँ मैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।